पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह दास्तां है एक निहायत ही खूबसूरत अभिनेत्री की, जिनका नाम है रायमा सेन। इनका जन्म का नाम रहा रायमा देव वर्मा। जन्म 7 नवंबर सन 1979 में हुआ। इनकी माताजी मुनमुन सेन एक जानी मानी अभिनेत्री रही और इनकी नानी सुचित्रा सेन भी बेमिसाल अभिनेत्रियों में से एक मानी गई हैं। उन्हें महानायिका का टाइटल दिया गया है। इनके पिताजी का नाम है भारत देव वर्मा। रायमा सेन का जन्म मुंबई शहर में ही हुआ। हालांकि इनके पिता भारत देव वर्मा त्रिपुरा की रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इनकी दादी ईला देवी कूच बिहार की राजकुमारी थीं, जिनकी छोटी बहन गायत्री देवी जयपुर की महारानी बनी थीं। ये बात तो सामने आई गई कि रायमा सेन एक बहुत ही जबरदस्त परिवार से ताल्लुक रखती हैं। रायमा सेन ने फिल्म गॉड मदर के साथ डेब्यू किया था। उसके बाद ये नजर आई फिल्म दमन में, लेकिन ऋतुपर्ण घोष की जबरदस्त फिल्म चौखेर बाली में इनका अभिनय देखते ही बनता था और सभी मान गए थे इनके अभिनय का लोहा। ये फिल्म परिणीता में नजर आई विद्या बालन के साथ, तो बंगाली फिल्म अंतर महल में भी इन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया। मनोरमा 6 Feet Under में भी नजर आई थी अभय दयाल के साथ। ये हिंदी और बंगाली सिनेमा में काम करती रहीं। इनकी बहन रिया सेन भी आगे जाकर फिल्मों का हिस्सा बनी। रायमा सेन एक निहायत ही खूबसूरत हीरोइन बनकर उभरी और अपनी मुख्तलिफ फिल्मों की वजह से इन्होंने अपना एक बड़ा जबरदस्त मकाम बना लिया। इनकी पढ़ाई लिखाई दरअसल कोलकाता के लोरेटो हाउस में हुई। अभिनय के क्षेत्र में आकर इन्होंने और इनकी बहन ने एक तरह से कीर्तिमान बना दिया। नानी, माँ और नवासियां तीनों ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनी। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।